के आम के रस को जूस कहते हैं, आम के रस को जूस कहते हैं, और जो हम कलाकारों के लिए ताली ना बजाए उन्हें कंजूस कहते हैं। भाई कंजूस कितने लोग हैं भाई, ताली ही तो बजवा रहे हैं, है कि नहीं? तो एक बार ऊंचे हाथ उठाएं और जोरदार ताली बजाएं। और इस हाथ उठाने को पता है, हाथ उठाएंगे तो हम लोगों को लाभ होगा। पहले हाथ उठाएं फिर हम लाभ बताते हैं। पहले हाथ उठा ले। लाभ किसे बुरा लगता है, हाथ उठाएं। जिसे लाभ बुरा लग रहा है तो नीचे कर ले, और नहीं लग रहा है तो उठा ले, जिसे चाहिए हो। कहना है जिसके हाथ जब, अरे भैया कौन बोला, आवाज आई है, मतलब जिसके हाथ सबसे ऊपर होंगे, पहले कर लो भैया फिर बताए, नहीं तो पता चले नीचे ही हो जाए। जो जितने ऊपर हाथ करेगा वो उतने जल्दी ऊपर जाएगा। अरे भैया उठाए रहो, तरक्की के रास्तों पे ऊपर जाएगा। मैंने कब कहा कि ऊपर जाएगा? आप लोग तरक्की करोगे, हमारी दुआ है और आप लोगों की दुआ है कि हम यहाँ इस मंच पे गा रहे हैं। भैया मैंने कभी बुंदेली गीत तो नहीं गाए हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो एक दिन का भाव के एक लड़की की शादी, भाई एक लड़की की कैसा भाई की शादी हो। 51 पत्र मुद्राएं हुपलाल भैया की तरफ से धन्यवाद। और ये भूतपूर्व प्रधान है, तो लड़की की शादी होती है और शादी से वो घर आती है तो सबसे पहले किससे मिलती है, किससे मिलना चाहती है? दीदी आप बताओ, आपकी शादी हो गई, आप मतलब चौथी चला के आपके भाई लोग घर आए होंगे, तो सबसे पहले आपने किससे मिलना चाहा होगा? दीदी हमें आपसे पूछना है कि मेरी शादी हो गई ना, इसलिए। अरे सासों से कहां, सासों से तो छोड़ के आएंगे सासों को। हाँ मतलब मायके में किससे मिलना चाहेंगे? मम्मी से। और कोई है किससे मिलना चाहेंगे? अरे यहाँ तो बहुत, ये बुंदेली जाग रहा है। हाँ वही तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। हाँ। लेकिन ये बता देते हैं कि सबसे पहले वो मायके आती है तो अपनी सहेली से मिलना चाहती है, क्योंकि मम्मी से तो बातें कर नहीं सकती, है ना? मम्मी से तो बातें कर नहीं सकती कि मम्मी, और मम्मी हमसे पूछ भी नहीं सकती, इसलिए सहेली से मिलना चाहती है। और जब वो सहेली से मिलती है तो उसकी सहेली कहती है, काय तुम्हें का है, काय तुम्हारे ऊ कैसे है, तुम्हें कौन? कहने लगे तुम्हारे पति। तो वो अपने पति की तारीफ कुछ इस तरीके से करती है, आपका आशीर्वाद हो तो बता दे, बता दे, चलो। तो वो करती है अपने पति की तारीफ कुछ ऐसे, तालियां बजाते रहना इसलिए। तो कहती है, हो मेरो लांगुर कारो कौआ, कैसो कौआ। हम तारीफ नहीं कर रहे, जिसकी शादी हो गई वो तारीफ कर रहा, दीदी आप भी नहीं कर रहे। तो वो अपने पति की तारीफ करती है तो कहती है, ओ मेरो लांगुर कारो कौआ। तो नहीं सही बताओ, नहीं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही कही। अरे अब है तो कछु रंग रंग है, जैसे रंग कौआ को होते कारो कारो वैसा ही है। तो नहीं अच्छा सुनो, उन्हें सुना तो कह रही, हो मेरो लांगुर कारो कौआ, घर में डोले बन के हुआ है, कछु नहीं है और डोला तो ऐसे रात के, हम ऐसे को है ही नहीं। कछु लोग ऐसे समझते हैं कि हम है सको है नैया, लेकिन फिर भी आगे उनकी तारीफ सुनिए। हो मेरो लांगुर कारो कौआ, घर में डोले बन के हुआ, रंग झाड़ के अखियन में मोटा,
भाई की। अगर इनकी महफिल में कोई खेद हो गया तो फिर बेकारी है। कहना है कि आपकी तालियां हम कलाकारों के लिए कुछ खास होती हैं। आप सबकी तालियां हम कलाकारों के लिए कुछ खास होती हैं। और यही तालियां तो डावर चवन प्रास होती है भाई। बजा दो थोड़ी जोरदार और कहेंगे मेरो लांगुर करो पौआ, मेरो लांगुर करो पौआ, घर में डोले बन के हुआ, मेरो लांगुर करो पौआ, घर में डोले बन के हुआ, रंग झाड़ के सियन में मोटे काजर डाल ले, डोले मन में मोटे काजर डाल के, मेरो लांगुर करो पौआ। अब दो तीन बार कह चुकी तो उसकी सहेली बोली सही बताओ यार, हमें तो कछु दाल में काला लग रहा। कह रही हम जब तुमसे बता रहे कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, तो भी अच्छा। तो कह रही फिर से सुनो, अगर तुमने नहीं सुनी हो तो। चार पांच सहेली और जुड़ गई, कह रही यार हम उनके बता, हम उनके बता, हम उनके बता। उन्होंने कही ले अब यार नैने बताओ, अब हम उन्हें बताओ। कह रही यार जिजी अब तुम्हारी शादी हो गई, थोड़ी बताओ, हम उनके जाने ससुराल तुम्हें। हाँ सुनो, फिर से वो अपने पति की तारीफ करती है और कहती है मेरो लांगुर करो कौआ, मेरो लांगुर करो कौआ, घर में डोली बन के हुआ, मेरो लांगुर करो कौआ, घर में डोली बन के हुआ, रंग झाड़ के ओ बोला अखियन में मोटे। जिंदगी में सुख दुख और गम होता है और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। कितने लोग खाना खा के आए हैं, जितने लोग खाना खा के आए हैं तो तालियां बजाएंगे कैसे? 1 2 3 4 मन ही मन मुझका भी, पाना न खावे पानी न पीवे दिन भर पानी।
घर में पिचई पिचई मचा दे घर में पिचई पिचई मचा दे मुंडे सामे मंडा दे घर में पिचई पिचई मचा दे मुंडे सामे मंडा दे मैं न मार के यद में मुड़ नजर डाल के पैसों का तो ठीक ही है क्योंकि भाई सब लोग पैसों के लिए करते हैं। सच्चे कलाकार पैसों का तो भूखा है ही, लेकिन आप सबकी तालियों का भी भूखा है। तो जोरदार ताली बजाएंगे, कहेंगे और बोले कि ये चंपा तूने कहा है ते अपनी जिजियों की तो तारीफ सुन ले तना को नहीं बताओ। तो वो अपनी जोगनिया की तारीफ कैसे करते हैं? सौरभ जी आपसे कहना है, आप कहेंगे सौरभ जी अपनी जोगनिया की तारीफ कर रहे हैं, अभी तक तो इनकी हो रही थी, अभी अपनी जोगनिया की तारीफ कैसे कर रहे हैं? बस दो मिनट और लेंगे और कहेंगे क्या मेरी जोगनिया रम झल्लो जोगनिया